प्राथमिक शिक्षा विभाग में चयनित शिक्षक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सोमवार को सीएमओ कार्यालय में उमड़ पड़े 547 शिक्षक और उनके परिजन अस्पताल परिसर में डटे रहे। सुबह से प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लाइन में लगे शिक्षकों ने हंगामा कर दिया। ये देख चिकित्सकों ने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शिक्षकों को समझाकर शांत कराया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ी। आपको बता दें कि 3 दिन पहले शुक्रवार को 547 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र मिला था। इन शिक्षकों का कहना है कि नियुक्ति के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत है। विभाग ने 2 कार्य दिवस में मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाकर जमा करने को कहा है। इसी वजह से सुबह से ही नवनियुक्त शिक्षक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जिला अस्पताल और सीएमओ कार्यालय पर लाइन में लगे हैं। अधिकतर शिक्षकों के साथ उनके परिजन भी थे, इससे अस्पताल परिसर में भीड़ हो गई। अस्पताल प्रशासन का आरोप है कि शिक्षक और उनके परिजन अस्पताल के कर्मचारियों पर तत्काल मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने का दबाव बनाने लगे। इस प्रक्रिया में कई शिक्षक डॉक्टरों से उलझ भी गए, इस वजह से अस्पताल की ओपीडी भी प्रभावित हुई। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, पाँच सौ सैंतालीस लोग प्रमाण पत्र पाए हैं शिक्षक का, जिनके जो उनको दिया गया है सर्टिफिकेट कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है, उसमें लिखा है, उसमें आखिरी लाइन जो बिंदु लिख दी है वो ये लिखा है कि 2 दिन के अंदर, 2 कार्य दिवसों के अंदर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करें। इसी से हमारे सभी टीचर बंधुओं में जो नवनियुक्त हुए हैं उनमें भ्रांति फैल गई है कि केवल 2 ही दिन समय है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने का, इसलिए ये भीड़ अधिक हो गई है। अन्यथा उनकी ज्वाइनिंग पीरियड 7 दिन की है, वो 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर भी दिव्यांग प्रमाण पत्र 50-50, 100-100 की संख्या में आके बनवा सकते थे। वो उन्हें समझाया भी जा रहा है कि आप बाद में भी बनवा सकते हैं, और हमने 4-5 टीमें लगा दी हैं, वो 4-5 टीमें उसका कार्य कर रही हैं। तकरीबन 547 में से 300 तक के प्रमाण पत्र परसों और आज मिला के जारी हो चुके हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी में सारी जांचें होती हैं और हमारे कार्यालय से सर्टिफिकेट इशू होता है, इसलिए हम दोनों लोग मिलके उसको कर रहे हैं।